What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. एकदम famous राजस्थानी रेसिपी बना रहा हूँ आज, दाल बाटी चूरमा। मेरे कुछ मारवाड़ी दोस्त हैं जिनके घर पे मैं संडे को जाकर लंच पर दाल बाटी खाता हूँ और इतना मज़ा आता है रेसिपी खाने में। और वहाँ पर जब वो खाते हैं दाल बाटी तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी, थोड़ा सा प्याज और वो एक गार्लिक वाली लहसुन वाली चटनी डालते हैं और उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एकदम परफेक्ट दाल बाटी के लिए, जो बाटी होती है एकदम क्रिस्पी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट अच्छे से पकी हुई बाटी, कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ एकदम आसान तरीके से। साथ ही मैं एकदम डिलिशियस वाली दाल बाटी की दाल और फिर वही बाटी जो हमने बनाई है उसको यूज़ करके चूरमा कैसे बनाते हैं वो भी बताने वाला हूँ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही डिलिशियस लगती है, आपका संडे सॉर्टेड है। सबसे पहले दाल बाटी के लिए बाटी कैसे बनाई जाती है एकदम परफेक्ट वाली वो देख लेते हैं। बाटी का डो लगाने के लिए एक बोल में 4 कप घेहूँ का आटा, आधा कप रवा, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके ऐड कर दीजिए और टेस्ट के हिसाब से बस 1-2 चुटकी इसमें नमक ऐड कर दीजिए। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिला लीजिए। फिर इसके अंदर आपको 4 से 5 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी आने की मोयन ऐड कर रहे हैं तो घी को और गेहूं के आटे को आपको इस तरीके से दोनों हाथों से अच्छे से रब करना है, अच्छे से मिलाना है ताकि घी और आटा अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी बाटी जो एकदम परफेक्ट बने, मोयन अच्छे से लग जाए। मोयन को चेक करने के लिए आप बस आटे को इस तरीके से प्रेस करके देख लीजिए, ये जुड़ जाना चाहिए इस तरीके से, इसका मतलब आपका मोयन एकदम परफेक्टली लगे। आटे में मोयन लगाने के बाद अब इसके अंदर धीरे धीरे पानी ऐड करना है। तो 1.5 कप पानी यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, 2-3 बैचेस में से ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे। पानी को धीरे धीरे ऐड करके आटे को अच्छे से मिला लीजिए कि एक साथ आ जाए। एक बार आपका आटा एक साथ आ जाए तभी इसे गूंदना है आपको। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एकदम स्टिफ और सख्त डो होता है ये, तो अच्छे से बस 3-4 मिनट इसको गूंदिए ताकि आपका जो आटा है वो अच्छे से एकदम मिल जाए। एक बार आपने आटे को अच्छे से मिला लिया है तो इसे एक गीले कपड़े से आपको ढक के 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि आटा थोड़ा हमारा ढल जाए और बाटी को आप इजीली शेप कर पाएं। 10 मिनट के रेस्ट के बाद आपको अभी इसके पेड़े काटने हैं और बाटी को शेप करना है। तो ऐसे थोड़ा सा आटा ले लीजिए, उसका एक राउंडिल तैयार कर लीजिए। एक बार आपने इस तरीके का एक राउंड तैयार कर लिया है उसके बाद इसको अंगूठे की मदद से इस तरीके से शेप करना है कटोरी के शेप में। तो बस जैसे हम पराठे वगैरह की फिलिंग के लिए कटोरी बनाते हैं उसी तरीके से ये शेप कर लेना है। शेप करने के बाद ये जो किनारे हैं ये किनारों को मिला लेना है। किनारों को मिलाने के बाद इसको फिर से एक गोल शेप दे देना है। ये प्रोसेस हमने इसलिए किया है ताकि थोड़ी सी जो बाटी है वो अंदर से हॉलो हो जाए। एक बार आपने बाटी को इस तरीके से शेप कर लिया है उसके ऊपर इस तरीके से एक प्लस शेप बना लेना है एक नाइफ की मदद से। इसी तरीके से सारी बाटी को आप शेप कर लीजिए। बाटी एक बार आपने सारी शेप कर ली है, ये पूरे प्रोसेस के दौरान इसे एक गीले कपड़े से आपको ढक कर रखना है कि बाटी ऊपर से ड्राई नहीं हो जाए। तो बाटी का आटा लगाना, उसको शेप करना एकदम आसान है। इधर तक आपने एक बार ये प्रोसेस फॉलो कर लिया है तो बाटी को पकाने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं। अब ट्रेडिशनली तो बाटी को कोयलों के ऊपर भी पकाया जाता है जो बहुत ही डिलिशियस लगती है, लेकिन घर पर अलग अलग तरीके होते हैं पकाने के। एक तरीका ऐसा होता है कि ओवन यूज़ कर लो, OTG में आप लगभग 160 डिग्री सेल्सियस पर इसको रख दो जब तक कि एकदम बाहर से गोल्डन ब्राउन कलर की बाटी नहीं हो जाती है, तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो एक वो गैस वाला तंदूर आता है, काफ़ी आपने मारवाड़ी किचन्स में देखा होगा, एक वो एक ओवन एक ऐसे बना होता है, नीचे से गैस चालू होती है और ऊपर तंदूर टाइप बना होता है और उसके अंदर रोस्ट किया जाता है, जैसे तंदूर में बाटी को रख देते हैं और उसमें पकाते हैं। और एक मेथड ये है कि एक मेकशिफ्ट ओवन आप बना सकते हो, जैसे मैं कई अपनी दूसरी वीडियोस में बनाता हूँ कि कढ़ाई ले ली, उसके अंदर आपने नमक डाल दिया, उसको ढककर फिर हाई फ्लेम पर गरम कर लिया और उसके अंदर फिर एक प्लेट रखकर बाटियों को पका लिया, वो भी एक तरीका है। एक और एक तरीका है जिस तरीके से मैं आज पकाने वाला हूँ, जो एक अप्पे मोल्ड होता है जिसमें अप्पे बनते हैं, जो एक साउथ इंडियन डेलिकेसी होती है, इस तरीके का ये मोल्ड दिखता है। इस मोल्ड में भी बाटी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और आज मैं इसमें बना रहा हूँ। मोल्ड को आप गैस पर अच्छे से गरम कर लीजिए, गरम आपको उतना ही करना है जैसे मीडियम हॉट हो जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ भी गरम नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो बाटी जो है हमारी जल जाएगी। एक बार आपका मोल्ड गरम हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा घी इस तरीके से आप ब्रश कर लीजिए हर एक मोल्ड के अंदर। घी ब्रश करने के बाद एक एक करके सारी बाटी इसमें प्लेस कर लीजिए। बाटी प्लेस करने के बाद इसको आपको ढक देना है
और ढककर 5 से 6 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर आपको पकाना है। एकदम लोएस्ट सेटिंग रखनी है गैस की, आराम आराम से पकानी है, तो ही बाटी जो है आपकी अंदर से पकेगी, नहीं तो बाटी बाहर से कलर पकड़ लेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और वो वाली बाटी खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो 5-6 मिनट एक बार हो जाए उसके बाद ढक्कन को उठाइए। ढक्कन को उठाने के बाद एक साते स्टिक या टूथपिक की मदद से या एक फोर्क की मदद से इस तरीके से बाटी को आप फ्लिप कर लीजिए। आप देख सकते हो कितना बढ़िया रंग पकड़ना शुरू कर दिया है बाटी ने। अभी क्या करना है, आपको फिर से ऊपर से थोड़ा थोड़ा घी सारी बाटी पे ऊपर इस तरीके से लगा देना है। घी डालने के बाद फिर से ढक्कन लगा दीजिए और 5-6 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर सेम तरीके से पकाना है। ये जो प्रोसेस है फ्लिप करने का और थोड़ा घी लगाने का, आपको 2 से 3 बार करना है जब तक कि आपकी जो बाटी है वो दोनों तरफ से एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। तो मैंने 3 बार इसको पलटाया था और इस तरीके से पकाया और आप देख सकते हो लगभग 20-25 मिनट में आपकी बाटी एकदम पक जाएगी। चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो बाटी हमारी दोनों तरफ से एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और बाटी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। एक फाइनल स्टेप बाकी है, थोड़ा सा मेल्टेड घी ले लो, गरम घी ले लो, ये बाटी को उठाकर इस घी के अंदर अभी डिप कर दो। दाल बाटी में घी बहुत ज़्यादा होता है तो ही वो एकदम होलसम रिच फ्लेवर आता है। इस तरीके से बस डिप करके 5-10 सेकंड लिए रखना है, बाटी को निकाल लो साइड पे रख लो। सेम तरीके से सारी बाटी को आपको डिप करके इसे साइड पे रख लेना है और हमारी दाल बाटी की एकदम परफेक्ट वाली बाटी रेडी हो गई। तो बाटी हमारी एकदम परफेक्ट वाली तैयार हो गई है, बाहर से एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन और अंदर से भी ये वाली बाटी एकदम परफेक्टली पक जाती है। अब जो भी तरीका यूज़ करने चाहते हो, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए और एक तरीका तो आपको दिखा भी दिया है कैसे बनती है बाटी एक अप्पे मोल्ड के अंदर, तो ये वाला जो वर्जन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत एकदम परफेक्ट टेक्सचर आता है। इस 2 से लगभग 14 से 15 बाटी बन जाती है, तो आप अपने घर के हिसाब से जितनी आपको बाटी खानी है इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। आधी क्वांटिटी अगर बनाओगे तो 7-8 बाटी इजीली ये वाले साइज़ की मीडियम साइज़ की बन जाती है। तो बाटी तो हमारी तैयार हो गई है, बाटी बनाने के बाद अभी मैं आपको दाल कैसे बनाते हैं दाल बाटी के लिए वो बताने वाला हूँ और फिर उसके बाद यही बाटी यूज़ करके चूरमा भी कैसे बनाया जाता है वो आपको बताऊँगा। तो दाल बाटी की दाल कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। 5 दालें यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप मसूर दाल, 1/4 कप स्प्लिट उड़द की दाल, 1/4 कप हरे मूंग की दाल और 1/4 कप तुअर दाल। ये सारी दालों को आपको अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है, यानी कि जब तक पानी आपका क्लियर नहीं हो जाए तब तक धो लेना है। एक बार आपने दालों को धो लिया है तो इसे इनफ वाटर में खुले पानी में लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए दालों को आप सोक कर लीजिए। सोक करने के बाद आप देख सकते हैं कि दालें इस तरीके से आपकी अच्छे से फूल जाएंगी। अब ये जो पानी है इसको आपको निकाल देना है। पानी निकालने के बाद दाल को एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लीजिए, साथ ही में थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून घी और पानी जो है आपको दाल के 1 इंच ऊपर तक ऐड कर देना है। अब कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लगाने के बाद हाई फ्लेम पर आपको पहले 1 सीटी तक पकाना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर कर दीजिए और लगभग 1 या 2 सीटी के लिए दाल को पका सकते हैं। एक बार आपने दाल को 2-3 विसल्स तक पका लिया है उसके बाद कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने दीजिए, स्टीम निकलने दीजिए, उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि दाल हमारी किस तरीके से बनी है। तो आप देख सकते हो दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और पक चुकी है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, इसे हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। दाल को थोड़ा सा स्टर करके अच्छे से घुमा लीजिए कि सारी दालें एक दूसरे के साथ मिल जाएं और आप ये देख सकते हो हमारी जो दाल है वो रेडी हो गई है। अभी हमें बस इसे तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए एक बर्तन में 3 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए। घी एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कीजिए, साथ ही में 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्च और 1/2 टीस्पून हींग। ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से स्टर कर लीजिए और अदरक और लहसुन को हल्का सा भून लीजिए। अदरक और लहसुन को आप एक बार भून लें तब इसके अंदर 1 चॉप किया हुआ प्याज ऐड कीजिए और प्याज को भी थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। प्याज को आपने एक बार पका लिया है तब इसके अंदर 1 चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कीजिए और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करके अब टमाटर को भी थोड़ा सा गला लीजिए, थोड़ा सा पका लीजिए ताकि टमाटर आपके जो अच्छे से नरम हो जाए। एक बार टमाटर नरम हो जाए तब फ्लेम को धीमे करके इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये सारे मसालों को बस अच्छे से स्टर कर लीजिए और लगभग 1 मिनट के लिए भून लीजिए। एक बार आपने मसालों को भून लिया है तब इसके अंदर आप हमारी पकाई हुई जो दाल है वो ऐड कर दीजिए। दाल ऐड करने के बाद दाल को और तड़के को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी है। इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितनी पतली या गाढ़ी आपको दाल रखनी है।
मीडियम कंसिस्टेंसी की आपकी दाल होनी चाहिए। आप देख सकते हो हमारी दाल की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो गई है। इस स्टेज पर बस 2 से 3 मिनट के लिए दाल को पका लीजिए। एक बार आपने दाल को पका लिया है तो दाल को टेस्ट करके नमक एडजस्ट कर लीजिए। बस अब लास्ट में इसमें ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए, अच्छे से स्टर कर लीजिए और हमारी दाल बाटी की एकदम डिलिशियस वाली दाल रेडी हो गई। हमारी दाल बाटी की एकदम डिलिशियस वाली दाल भी रेडी हो गई है। अब ट्रेडिशनली इस दाल को कई बार थोड़ा सा धुआं भी दिया जाता है, स्मोकी फ्लेवर दिया जाता है, जलता हुआ कोयला, घी, सेम प्रोसेस है वो। अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो, मैंने आज नहीं किया, बट उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो दालें हमने यूज़ की है 5 दालें, इसे पंचमहल दाल भी कहा जाता है, जो 5 अलग अलग दालों को यूज़ करके बनाई जाती है। और ये दाल का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है और दाल बाटी की जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डिलिशियस लगता है। तो 2 चीज़ें बन गई, तीसरी चीज़ हमारा चूरमा रह गया है जो हम बाटी को यूज़ करके ही बनाएंगे। तो चूरमा कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो 3 से 4 बाटी ले लीजिए, उसको इस तरीके से तोड़कर एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए। मिक्सर में ऐड करने के बाद आपको बाटी को जो है एक दरदरे पाउडर में, एक कोर्स कंसिस्टेंसी के पाउडर में पीस लेना है। तो आप देख सकते हो बाटी की कंसिस्टेंसी कैसे लग रही है, एक बार मैंने ग्राइंड कर लिया इसे। अब एक पैन ले लीजिए, पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड कीजिए। घी ऐड करने के बाद ये बाटी का जो पाउडर है, जो चूरमा है, उसे ऐड कर दीजिए। और अभी इसे आपको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको थोड़ा सा हमको निकालना है और जो चूरमे का टेक्सचर है वो थोड़ा खुला खुला हो जाना चाहिए, ऐसे थोड़ा पाउडरी कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए। लगभग 7-8 मिनट लग जाते हैं, इसे धीरे धीरे भून लीजिए। आप देख सकते हो हमारी जो चूरमे की कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अभी लूज़ हो गई है, काफ़ी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और अच्छे से ठंडा कर लीजिए शक्कर मिलाने से पहले। आप अगर गरम गरम चूरमे में शक्कर मिला देंगे तो शक्कर अपना पानी छोड़ देगा, तो वो मिस्टेक मत करना। एक बार आपका चूरमा ठंडा हो जाए तब इसके अंदर 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ काजू, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ बादाम, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर और 3 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर या भूरा भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। एक बार आप अच्छे से मिक्स कर लें, हमारा चूरमा जो है एकदम फटाफट रेडी हो गया। ये जो चूरमा है ये भी बहुत ही डिलिशियस बनता है और बहुत इजी तरीका है, जो बाटी बनाई है उसको ही यूज़ करके बना सकते हैं। तो जितनी बाटी आप यूज़ करेंगे उतनी शक्कर और दूसरी चीज़ों की भी कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर लीजिए। ट्रेडिशनली जो पीसी हुई शक्कर मैंने आज यूज़ किया उसके बदले जो है भूरा यूज़ किया जाता है, उससे क्या है वो थोड़े थोड़े शक्कर के भी पीसेज आते हैं चूरमे में जो अच्छे लगते हैं। मुझे भूरा मिला नहीं अभी, इसलिए आज मैंने पीसी हुई शक्कर यूज़ कर ली। अगर आपके घर पे भूरा है या आपको मिल रहा है तो वो ऐड कीजिए, उससे भी टेक्सचरल डिफरेंस काफ़ी आ जाता है। तो दाल बाटी चूरमा तीनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, अभी इसको प्लेट करने की बारी है। अब प्लेट जो है अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। वैसे तो बाटी को थोड़ा सा चूर के डाल देते हैं, ऊपर से दाल, ऊपर से घी और फिर खाते हैं। मेरे दोस्तों के घर पे जब जाता हूँ तो उसके ऊपर एक वो गार्लिक की चटनी या कचरी की एक चटनी डाली जाती है और साथ ही में वो लोग प्याज भी ऐड करते हैं, जो बहुत ही डिलिशियस लगता है। तो आज मैं वैसे ही प्लेट कर रहा हूँ। अगर प्याज और गार्लिक की चटनी आप नहीं डालना चाहते तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। सारी चीज़ें रेडी है, लेट्स प्लेट आर दाल बाटी वाईफल स्टाइल। दाल बाटी खाने का मज़ा आ गया आज, इतनी डिलिशियस बनी है। और दाल बाटी को हाथों से ही खाने में जो मज़ा आता है, आप जब दाल बाटी बनाएंगे तो हाथों से ही खाइए, चम्मच से मत खाना, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल दाल बाटी चूरमा रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।